नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा आप सभी का हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं दिसंबर मास 2023 का तुला राशि के जातक जातिकाओं का कैसा रहने वाला है राशिफल। मित्रों, यदि दिसंबर मास 2023 तुला राशि फल के बारे में बात करें, दिसंबर मास तुला राशि के जातक जातिकाओं के लिए 101% शुभ साबित रहेगा। इसमें खुशियां ही खुशियां मिलेंगी, दुख बहुत कम रहेगा। मित्रों, इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, यदि आपने अभी तक हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली हर ज्ञानवर्धक ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलती रहे। साथियों, सीधा टॉपिक पर बात करेंगे कि तुला राशि के जातक जातिकाओं के साथ टोटल घटनाएं 17 घटित होंगे, जिनमें से एक घटना अशुभ घटित होगी और 16 घटनाएं शुभ घटित होंगी। यानी 16 कार्य बनेंगे तुला राशि के जातक जातिकाओं के दिसंबर मास 2023 में, और सिर्फ एक कार्य बिगड़ेगा, एक परेशानी इस मास आपको सताएगी। तो मित्रों, सबसे पहले बात कर लेते हैं, ऐसी कौन सी वो एक अशुभ घटना है जो तुला राशि के जातक जातिकाओं के साथ दिसंबर मास 2023 में घटित होती हुई नजर आएगी। नंबर एक, तुला राशि के जातक जातिकाओं के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावटें आ सकती है, जैसे नेत्र विकार होना, छाती के रोग होना, या पित्त की थैली में हो या गुर्दे में हो पथरी का कष्ट आपको सता सकता है, या थोड़ी सी आपको भाग दौड़ के कारण कमजोरी महसूस हो सकती है। ये समस्या तुला राशि के जातक जातिकाओं के साथ दिसंबर मास 2023 में होती हुई नजर आएगी। मित्रों, बात करते हैं ऐसी कौन सी वो 16 शुभ घटनाएं हैं। नंबर एक, आपके कार्य क्षेत्रों में अपार सफलताएं मिलेंगी, धन की वृद्धि होगी, आय में बढ़ोतरी होगी और नई नई योजनाओं में विकास होगा, और साथ ही साथ जो भी तुला राशि के जातक जातिका है दिसंबर मास में सोच समझकर जो भी निर्णय लेंगे तो वो सटीक प्रमाणित होंगे और लाभप्रद सिद्ध रहेंगे। नंबर दो, धार्मिक कार्यों में पूजा पाठ में दया दान में या अन्य किसी मजबूर व्यक्ति के सहयोग में आपकी आस्था बढ़ेगी, आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका मन लगेगा, रुचि बढ़ेगी। नंबर तीन, गीत संगीत गायन वादन लेखन प्रकाशन में भी खूब सम्मान मिलेगा, खूब आय में बढ़ोतरी होगी। नंबर चार, कृषि भूमि काले पशुओं में बौद्धिक कार्यों में आयात निर्यात के साधनों में किराए ब्याज के कार्यों में क्रेता विक्रेता फरोख्त के धंधों में भी समय समय पर धन का लाभ होता रहेगा। नंबर पांच, लॉटरी कमीशन सट्टाबाजा प्रॉपर्टी डीलिंग ठेकेदारी रोजमर्रा के कार्यों से जो जुड़े व्यक्ति हैं उनको भी इस मास काफी लाभ होता हुआ नजर आएगा, और जो व्यक्ति कंप्यूटर से जुड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इंजीनियर हैं, उनको भी समय समय पर धन लाभ होगा। नंबर छह, सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। नंबर सात, यदि आप राजनीति से जुड़े हैं तो राजनीति में आपको विजय प्राप्त होगी और राजनीति से जुड़ी पार्टियों में जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा, लेकिन जो आपका विरोधी पक्ष है वो आपको चिंता टेंशन पहुंचाने में कमी नहीं रखेगा, लेकिन आपका कोई भी बाल बाका नहीं होगा। नंबर आठ, दिसंबर मास के अंत में तुला राशि के जातक जातिकाओं के कई रुके बिगड़े कार्य बनेंगे, और जो दिसंबर मास का महीना है तुला राशि के लिए अंतिम समय में अंतिम मास के दिनों में बहुत ही ज्यादा उपलब्धियों भरा और उन्नतिशील देखने को भी मिलेगा। नंबर नौ, माता पिता से संबंध मधुर रहेंगे, भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे, पारिवारिक संबंध कुल मिलाकर काफी अच्छे और सुधरते हुए नजर आएंगे। नंबर दस, जो विद्यार्थी है उनको थोड़े से परिश्रम करने से ही विद्या में अपार सफलताएं प्राप्त होंगी और अच्छे अंक अच्छे रिजल्ट भी प्राप्त होंगे। नंबर 11, जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तुला राशि के उनको नौकरी जो पहले से कर रहे हैं तुला राशि के, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, तो नौकरी में तो तरक्की होगी, वेतन बढ़ेगा और वरिष्ठ अधिकारियों से बड़े लोगों से बड़े अधिकारियों से संपर्क बनेगा, वो आपकी सराहना करते हुए भी नजर आएंगे। और जो नौजवान साथी अभी तक नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल पाई है, तो उनको दिसंबर मास में नई नौकरी मिलने का संयोग बन रहा है। नंबर 12, तुला राशि वाले जातक जातिका है दिसंबर मास में या तो कोई वाहन नया खरीद सकते हैं या कोई पुराना वाहन खरीद सकते हैं,
लेकिन वाहन सुख भी आपको प्राप्त होगा। नंबर 13, जिन तुला राशि के जातक जातिकाओं की शादी का अभी तक योग नहीं बना है उनकी शादी का योग बनेगा, कोई तारीख तय हो सकती है। और जो तुला राशि के जातक जातिकाएं निसंतान है, जिनको संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, तो उनको संतान सुख की प्राप्ति होगी। और जो उनकी संतान किसी कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, तो आपकी संतान को उस कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। नंबर 14, यदि तुला राशि के जातक जातिका किसी से प्रेम करते हैं या किसी के प्रेम में पड़े हैं या नए प्रेम की तलाश में है, तो प्रेम संबंध इस मास काफी अच्छे रहने वाले हैं। नंबर 15, मास के अंत में कोई विशेष बड़ा रुका हुआ कार्य बनेगा और अचानक धन का लाभ होगा और साथ ही साथ बैंक बैलेंस भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। नंबर 16, जो तुला राशि के जातक जातिकाएं किसी पुराने रोग से पीड़ित थे, पुराने रोग से परेशान थे, तो उस रोग में राहत मिलेगी, आराम मिलेगा, हो सकता है उस रोग से आपको छुटकारा मिल जाए। मित्रों, ये 16 कार्य दिसंबर मास 2023 में तुला राशि के जातक जातिकाओं के बनते हुए नजर आएंगे, लेकिन तुला राशि के जातक जातिकाओं के लिए दिसंबर मास की कुछ तारीखें कष्टभरी रहेंगी, उन्हें लिख लीजिए या फिर उनको याद कर लीजिए या फिर इस वीडियो को अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। वो तारीखें हैं 6, 8, 12, 17 और 25। उपाय करना है, केतु शांति मंत्र का नियमित एक माला का जाप करें, बुधवार को काली चींटियों को भुना हुआ आटा मीठा डालें, ये और शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करें, नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। मित्रों, जो तुला राशि के जातक जातिकाएं कोई सा भी उपाय में से करते हैं लगातार, तो दिसंबर मास में आने वाले सभी दुख संकट छट जाएंगे और आपका महीना सुख शांति से व्यतीत होगा। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपका ये मास खुशहाल भरा रहे, भगवान की आप पर कृपा रहे और आप सभी जीवन में आगे बढ़े। मित्रों, ये था तुला राशि के जातक जातिकाओं का दिसंबर मास 2023 का बिल्कुल सत्य और सटीक राशिफल। साथियों, यदि आपको हमारा बताया हुआ राशिफल सत्य लगे, अच्छा लगे, तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मित्रों, यदि आप में से कोई भी भाई बहन अपनी जन्म कुंडली, हस्तक रेखा, मस्तक रेखा दिखवाना चाहता है या अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहता है या फिर अपनी जन्म कुंडली के अशुभ ग्रह शांत कराना चाहता है या जीवन में चल रही किसी भी समस्या को लेकर परेशान है, तो उसके समाधान के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, हम विधि विधान और विश्वास के साथ आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। साथियों, यदि आप हमसे कोई भी जानकारी लेते हैं, चाहे हस्तक रेखा, मस्तक रेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण कराते हैं, तो उसकी हमारे इंडिया में फीस 2100 रुपए है और विदेशों में 5100 रुपए फीस है, जो पहले जमा की जाती है, उसके आधे घंटे बाद ही हम जानकारियां देते हैं। साथियों, यदि आप किसी समस्या का समाधान करवाते हैं तो उसका चार्ज अलग से होता है, वो हम देखकर ही बता सकते हैं। तो साथियों, यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और आप सभी को करते हैं नमस्कार। फिर मिलेंगे नई ऑडियो वीडियो के साथ, जब तक के लिए पंडित राजगुरु शर्मा का आप सभी को जय हिंद, जय भारत।